राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है और हम सभी इन नवरात्रों में माता सती के 10 स्वरूपों को गुप्त रूप से कलश स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रों को सर्वोत्तम माना जाता है। इसका शुभारम्भ माँ काली की आराधना के साथ प्रारम्भ होता है। दूसरे दिन माता तारा के स्वरूप की पूजा कथा महात्म्य सुनने से भक्तों के अभीष्ट कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अपनी सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि कोई भक्त पूरी निष्ठा के तंत्र साधना का प्रयोग कर ओम ह्रीम श्री हुम फट स्वाहा मंत्र से हवन करके देवी की साधना करता है तो उसे मन वंचित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जाने माता तारा के प्रादुर्भाव की कथा का संपूर्ण सार क्या है। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, माँ भगवती काली के मेल रूपा होने के कारण इन्हें तारा कहा गया है। 10 महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर प्रगणित हैं। अनायासी वाक शक्ति प्रदान करने में ये सामर्थ्य रखती हैं। इसलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए ये अग्र तारा है। भगवान हिरण्यगर्भ का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। सब रूप सब पर सवार प्रत्यार रीढ़ मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्णों वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमंडल और खड़ग धारण किए हुए हैं। ये व्याघ्र चर्म से विभूषिता तथा कंठ पर मुंड माला धारण करने वाली हैं। शस्त्र नाश तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा अग्र तारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी के स्वरूपा तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवती के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रहस्यों के कार्यकलाप भिन्न भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्र पद्धति से की जाती है, जिसे आग मोत्र पद्धति भी कहा जाता है। इनकी आराधना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम ऋषि वशिष्ठ जी ने माँ तारा की आराधना की थी, इसलिए माँ तारा को वशिष्ठ आराध्य तारा भी कहा जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने पहले तारा की आराधना वैदिक रीति से करना आरम्भ की, जो सफल न हो सकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से ज्ञान मिला कि वे तांत्रिक पद्धति से इनसे, जिसे चिनाचारा कहा जाता है, उपासना करें। जब ऋषि वशिष्ठ जी ने तांत्रिक पद्धति का सहारा लिया तब उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। यह कथा आचार्य तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यानों में वर्णित है। इस बात से सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि देशों में माँ तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम चोलना नामक नदी के तट पर हुआ था, जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है। महाकाल संहिता के कालखंड में तारा नाम से वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में भगवती तारा की उपासना का वर्णन शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात को तारा रात्रि कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिला में तारा का शक्ति पीठ है। तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहते हैं। इसलिए यह स्थान तारा पीठ के नाम से विख्यात है। वहाँ पर तारा, नील, सरस्वती की 3 मूर्तियाँ एक साथ हैं। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ जी ने यहीं पर माँ तारा की उपासना की थी और सिद्धि प्राप्त भी। तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गुह काल खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस खंड के अनुसार माँ तारा
का रहस्य अत्यंत चमत्कार जनित है। तारा देवी का दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोखी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए देवी तारा का काफी महत्व है। भगवती तारा का मंत्र नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना का मंत्र है ओम ह्रीम सी होम फट स्वाहा। गुप्त नवरात्रों और चैत्र मास की नवमी तिथि को तारा देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्ध कारक होता है। जो भी साधक या भक्त माता की मन वचन कर्म से आराधना करता है उसकी तत्काल ही सभी मांगे पूरी कर देती हैं। दर्शकों, ये थी आज की प्रस्तुति। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।